मेरे गोडसे को बलिदानी के रूप में स्वीकार करे। जी हाँ, इसी मांग के साथ आज गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू महासभा ने शौर्य दिवस मनाया। देश में आज जहां गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात की जा रही है, वहीं हिंदू महासभा इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर मेरठ में आज हिंदू महासभा के कार्यालय में हवन पूजन किया गया और इस मौके पर हिंदू महासभा ने एक बार फिर गोडसे को एक बलिदानी के रूप में स्वीकार किए जाने की बात कही। इतना ही नहीं, इस मौके पर हिंदू महासभा के सचिव शगुन पांडे ने जमकर CAO और NRC का समर्थन किया और ये भी कहा कि आज जो देश में हो रहा है उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं। इस मौके पर हिंदू महासभा ने ये भी कहा कि हम देश में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। पुरानी लेगेसी है, परंपरा है हिंदू महासभाओं की। इस दिन हम लोग शौर्य दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। स्वरूप हर साल बदलता रहता है, जगह अनुसार या लोगों अनुसार या कार्यकर्ताओं के चॉइस के हिसाब से। और इस बार जो है मेरठ में आज हनुमान जी का हवन रखा गया है और हनुमान जी भगवान जी से ये प्रार्थना की गई है कि जिस तरीके से वो गंदी दुरात्माओं को, भूत पिशाच को, प्रेतों को दूर करते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ऐसे में आज हनुमान जी का हवन करके हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि हे हनुमान जी, आप इस देश के उन लोगों को जिनमें बुद्धि विहीन है, जो लोग गोडसे को ये कहते हैं कि देशद्रोही है, जो लोग गोडसे के ऊपर कातिल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको पहले तो बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि वो सत्य को स्वीकार करें और सत्य को पढ़ें और साथ में स्वीकार भी करें। उसी के साथ में ये जो दुरात्मा है, प्रेत आत्मा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भटकती रहती हैं, माननीय अमित शाह जी लड़ा रहे हैं। जब संसद में इस बात को उन्होंने खुल के कह दिया कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो हिंदू महासभा तो आज 100 सालों से लगभग यही बात कहती आ रही है, तो इसमें हमने क्या गलत कह दिया? क्या गलत कह दिया अगर हम ये कहते हैं कि इस देश की आज जो स्थिति है, आज जितने भी अनशन हो रहे हैं नागरिकता कानून को लेकर के, आज जितने भी लोग इसके विरोध में खड़े हैं, ये किस मानसिकता की उपज है? जय भीम टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।